अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर किस तरह रिपेयर करना है वो बताना चाहता हूँ। माइक्रोटेक EB900। मैं आपको पहले इसको चेक करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने जो वायर लगा रहा हूँ ये प्लस वायर है बैटरी का, इन्वर्टर का बैटरी में प्लस वायर लगा रहा हूँ मैं अभी, और दूसरी जो अर्थिंग का वायर है वो भी लगा रहा हूँ, और इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद में अपन इसका प्रॉब्लम ठीक करेंगे। मैं नेगेटिव वायर जो काला वायर है बैटरी का इन्वर्टर का वो बैटरी कनेक्शन में लगा रहा हूँ। ये हमने जो अभी बोर्ड लगाया है हमारा टेस्टिंग बोर्ड है हमारे शॉप पर, ये इसका वोल्टेज और चार्ज कितना एम्पर से होता है वो सब दिखाता है, और लोड का लोड किस तरह लेता है वो भी हमने इस पर लगा के रखा है लोड टेस्टिंग बल। अभी आपके इन्वर्टर के डिस्प्ले पे देखो सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बल तो चालू है 200 वैट का, बाईपास सिर्फ MEC भी दे रहा है, और आगे इन्वर्टर में कोई इंडिकेटर नहीं है। तो ये फॉल्ट किस तरह ठीक करे, ना बैटरी चार्ज हो रहा है ना UPS पे इन्वर्टर पे लग रहा है लाइट जाने के बाद। अब मैं इसको किस तरह ठीक करते हैं वो आपको बता रहा हूँ आसानी तरीके से, कि आप भी इसे घर पे ठीक कर सकते हैं। अभी मैंने एक वायर पहले निकाल लिया बैटरी कनेक्शन, अभी मैं इसको ड्राइवर के मदद से ये स्क्रू को खोल रहा हूँ, अभी इसका कैबिनेट खोल रहा हूँ इन्वर्टर का। जितने नट है उसके निकाल लेना है हमें, ये वन साइड हो गया, अब ये दूसरा साइड है उसका। इसको ड्राइवर की मदद से मैं खोल रहा हूँ उसे, ये भी एक नट निकालना है हमें, स्क्रू निकालना है। अभी इन्वर्टर का जो बक्सा है उसके कवर को निकालना है हमें, कवर को निकालना है, ये कवर निकल गया। अभी ये जो अंदर PCB कार्ड है ट्रांसफार्मर PCB कार्ड, ये अंदर जो ये इसके जो अंदर जो फ्यूज़ लगे हैं 40 एम्पर के ऑरेंज कलर के, ये इसका फैन भी चालू है, अंदर जो फ्यूज़ है ये मैं उंगली से जो दिखा रहा हूँ आपको, ये 40 एम्पर का फ्यूज है ऑरेंज कलर का, कलर एक ही नहीं रहता, हर कंपनी का अलग अलग कलर भी रह सकते, लेकिन उसका जो एम्पर है वो 40 एम्पर है, वो आपको ध्यान रखना है। अभी पकड़ के मदद से मैं वो फ्यूज़ निकाल रहा हूँ, दो फ्यूज़ है, हर इन्वर्टर में अलग अलग फ्यूज़ रहते, अलग अलग क्वांटिटी रहते, किसमें तीन रहते, किसमें चार रहते, किसमें दो रहते, ज़्यादातर के दो ही फ्यूज़ रहते माइक्रोटेक के इन्वर्टर में, और लेटेस्ट जो आया है उसमें तीन भी रह सकते। ये दो फ्यूज़ निकालने हमें, पकड़ से अच्छा पकड़ के निकालो, नीचे गिर गया फ्यूज़ सॉरी। हाँ ये जो फ्यूज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा भी फ्यूज़ मैं निकाल रहा हूँ अभी। अच्छा ये फ्यूज़ जो रहते हैं ये 40 एम्पर के फ्यूज़ है, और ये बीच का तार टूट गया है, ये गैला फ्यूज़ है, इस तरह दिखता है। ये मैंने नया ये टूटेला गैला फ्यूज़ है, चेक करना है मल्टी मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं फ्यूज़। और आपको ये नया फ्यूज़ लिया मैंने अभी 40 एम्पर का, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल्स की दुकान में इलेक्ट्रिशियन की दुकान में, ये 40 एम्पर का फ्यूज़ है, ये आपको उधर लगाना है, ध्यान रखे लगाते समय किधर हाथ नहीं लगे, और ये सब बंद करके लगाना है हमें, बैटरी वायर निकालना है, MECV स्विच बंद करना है, इन्वर्टर का आगे का स्विच बंद करना है जिससे हमें शॉर्ट नहीं बैठे, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है हमें। अब ये फ्यूज़ मैंने बिठाया, दोनों फ्यूज़ बिठा लिया अभी अच्छी तरह दबा के उसको, और अभी मेरे पास तो ब्लोअर मेरा बाहर साइड पे काम को गया है, इसके लिए मैंने अभी कपड़ा लेके थोड़ा मुझे इसके अंदर गंदगी दिखी, कुछ जाली वो दिखे, इसके लिए मैं ऊपर से साफ़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लोअर रहेंगे तो उसे ब्लोअर से साफ़ करें, वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करें, अगर कपड़े साफ़ करेंगे
तो ध्यान दे कोई वायर कट बीट ना जाए, कोई सॉकेट में से वायर नहीं निकल जाए। थोड़ा मुझे ख़राब लगा, घन लगा इसमें डस्ट, इसके लिए मैंने साफ़ किया उसको। अभी मैं रेड कलर का वायर जो मैंने निकाला था बैटरी के प्लस से, अब मैं लगा रहा हूँ उधर। अब मैंने टच किया इसको, तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये इन्वर्टर चालू हो गया, ऑफिस से अच्छे से इसको वायर फिट करता हूँ मैं। अभी अच्छे से वायर फिट करना है उसे बैटरी कनेक्शन में। ये तो मेरा बोर्ड है टेक्सटिंग बोर्ड, आपके तो बैटरी रहेगा। मैं मेन स्विच भी बंद किया अभी इसका, लगाते से हम चेक करते रहे। फिर मैंने लगा लिया बैटरी वायर, अभी इन्वर्टर मैंने ऑन किया, मैंने इन्वर्टर ऑन किया अभी। अभी ये जो इन्वर्टर ऑन हो गया, अभी मैंने जो लोड डाले है इसके ऊपर 200 के बल्ब लगाए, अभी UPS मोड पे चालू है इन्वर्टर मोड पे। अभी मैं MEC भी चालू करता हूँ, अभी MEC चालू करता हूँ मैं। अभी अब मैं, मेरा हाथ उधर तक नहीं जा रहा, इसके लिए मैं इसको ड्राइवर से मदद से MEC चालू किया। देखो एक मेंस लाइट लगा, और जो ब्लिंकिंग हो रहा है चार्जिंग का लाइट है। हमारा इन्वर्टर चालू हो चुका, जो इसमें प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। इसी तरह आपको चेक करना है। ये मैंने MEC भी बंद किया वापस से फिर एक बार, और फिर से एक बार इन्वर्टर ऑन किया, अभी चालू हो गया। इसी तरह हम आपको किस तरह इन्वर्टर रिपेयर करना है नॉर्मल एक तरीके से हम आपको बताते जाएंगे हर एक वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और फिर इसके बाद में आपको जो बक्सा है फिट करना है, इस तरह आपने पहले स्टार्ट में जो स्क्रू निकाले थे फिर से स्क्रू लगा के पैक करना है हमें। जिसके पैक तो हमें इसके लिए करना है कि तो उसमें कोई चूहा, कोई चिपकली, कोई झुंगुर नहीं जा सके, इससे फिर इन्वर्टर को वापस से प्रॉब्लम हो जाता है, होता है। फिर से मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट किया कर रहा हूँ। इसी तरह हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको इन्वर्टर किस तरह UPS किस तरह रिपेयरिंग करते हैं कम समय में बताएंगे।